गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कटवर्म ऑफ मेज। कटवर्म का साइंटिफिक नेम है एग्रोटिस इप्सलॉन। इसको दुनिया में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे डार्क स्वॉर्ड ग्रास मॉथ, ओर्फ्लो वर्म, ग्राम कटवर्म एक्स्ट्रा। ये ऑर्डर लेप्टोप्टेरा फैमिली नॉक्टुडे को बिलोंग करता है। जो कटवर्म है ये एक सीरियस पेस्ट है एग्रीकल्चर का, जिसको मेजर पेस्ट भी बोलते हैं। ये वेजिटेबल की हर एक वैरायटी को इन्फेस्ट करता है और बहुत सारे हमारे सीरियल्स को भी इन्फेक्ट करता है। एक जो लार्वी है वो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर और हम कह सकते हैं 4 स्क्वायर मीटर एरिया में फॉलेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मोथ जो है वो ट्रैवल कर सकती है कई 100 किलोमीटर कुछ ही रातों में। इसका जो दिखने का समय है, जो प्रेवलेंस पीरियड है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टू थर्ड वीक ऑफ जून है, और जिसका पीक टाइम है वो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जून है। मोथ को इसका साइंटिफिक नेम इसकी शेप से मिला है। जैसे आप देख सकते हैं इसकी शेप, जो विंग्स की शेप है वो वाई आकार की है, तो ग्रीक में वाई को इप्सिलॉन कहते हैं, इसलिए इसका नाम एग्रोटिस इप्सिलॉन रखा गया है। आप इसके फोर विंग्स पे देख सकते हैं डॉट, जो इसकी आइडेंटिफाइंग फीचर है, वो स्मॉल छोटे छोटे आपको ब्लैक ड्रैगन्स दिखेंगे या डॉट शेप मार्क दिख रहे हैं। तो ये से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ये मोथ है ये कटवर्म की है। जो एग लेइंग होती है वो सिंगली या ग्रुप्स में होती है, और वो वीड्स पे, क्रॉप रेजिड्यू पे, और जो हमारे बॉर्डरिंग प्लांट्स है उन पे होती है बिफोर जर्मिनेशन ऑफ मेज क्रॉप। इसका लार्वी है, इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब भी इसको आइडेंटिफाइंग फीचर कि जब भी इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो ये कॉइल हो जाता है सी शेप में। इसके शरीर पे ट्यूबरकल्स दिखेंगे, स्मॉल बम्प्स दिखेंगे अनइवन, जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ये 4 इंच तक अबोव ग्राउंड फीड करता है, लेकिन उसके बाद ये लाइट सेंसिटिव हो जाता है और ये फिर दिन के टाइम में अंडरग्राउंड रहता है, और ये रात को क्रॉप पे अटैक करता है और आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। ये मेज को बिल्कुल साइल लेवल से ही प्लांट को पूरा कट करता है। इसकी लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस हैं। इसकी लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग स्टेज 3 से 6 दिन रहती है। ये रिब्ड होते हैं और डोम शेप्ड होते हैं। जो लार्वी है वो 20 से 40 दिन का इसका पीरियड है, और ये 3.5 से 55 mm तक अपनी लेंथ अटेन करता है, और इसमें कैनिबलिस्टिक प्रॉपर्टीज भी हैं, मतलब कि जब खाने का अभाव हो तो ये अपने ही साथियों को खाने लगता है। पीपा जो है वो उसका 12 से 20 दिन का पीरियड है, स्टेज है। ये प्यूपेट करता है 3 से 12 mm सरफेस के नीचे। इसकी लेंथ है 7 से 12 mm और इसकी विड्थ है 5 से 6 mm। इसका टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 35 से 60 डेज में कंप्लीट हो जाता है। एक साल में ये 4 जनरेशन होती हैं, और जो इसकी फर्स्ट जनरेशन है वो ही सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। अब आया मैनेजमेंट का पार्ट। तो मैनेजमेंट के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है स्कोटिंग, टाइमली स्कोटिंग बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी फार्मिंग ऑपरेशन का। अगर हमने पेस्ट पॉपुलेशन को सही ऑब्जर्व करना है, सही पिक्चर चाहिए, हमको स्कोटिंग
टाइमली करनी है। उस कोटिंग जो है वी से डब्ल्यू पैटर्न में होना चाहिए, जैसा हम देख सकते हैं वी से डब्ल्यू पैटर्न में, इस पैटर्न में होना चाहिए। स्कोटिंग का जो टाइम है वो जैसे मेज की जर्मिनेशन होती तब से लेके जब तक मेज 18 इंच की हाइट तक नहीं पहुंचता तब तक हमको करनी है। स्कोटिंग करते वक्त हमको कम से कम 5 पॉइंट्स पे रुकना है। स्कोटिंग करते वक्त हमको बीच में जहां भी रुकेंगे वहां पे हमने कंजेक्टिव एक ही सीरीज में 20 प्लांट्स को कम से कम चेक करना है और रिकॉर्ड करना है कि क्या उनको कहीं से खाया है, कट हुए हैं, विल्ट हुए हैं या कोई लीफ फीडिंग के साइंस है। हमको लाइव कटवर्म को ढूंढने के लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेस्टेड प्लांट है उसके अराउंड हम जो है 3 इंचेस तक देखेंगे, 3 इंच गहरा डीप और 3 इंच हम अगर रेडियस में देखेंगे तो हमको जो है लाइव कटवर्म मिल जाएगा। तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो है कितनी क्रॉप कटवर्म से इन्फेस्टेड है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड इसका है जो कटवर्म का वो 1 लार्वा पर टिलर है या 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द क्रॉप। डीप्लोइंग करेंगे जिससे लार्वा और प्यूपा जो है वो पक्षियों के लिए एक्सपोज हो जाए, बर्ड्स के लिए एक्सपोज हो जाए। क्लीन कल्टीवेशन होनी चाहिए, हमको वीड्स जो है रिमूव करने हैं, कंपोस्ट हीप जो है, डेब्रिस जो है हमारे फील्ड में है उसको बिल्कुल हटाना है। लाइट ट्रैप है उसको सेट कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप 12 से 15 पर हेक्टर हम जो है सेट कर सकते हैं जिससे हम मेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका कंट्रोल कर सकते हैं। हम जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे जहाँ पर कट वर्म आने की संभावना पहले से ही है वहाँ पर हम सीड रेट 1.25 केजी पर कनाल बढ़ा सकते हैं। कट वर्म के लिए हम स्टील ट्रीटमेंट जो है वो क्लोरपाइरीफॉस से, क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 5 ग्राम AI पर केजी अब सीड करेंगे और स्प्रे के लिए हम 20 EC एट द रेट 1 लीटर पर हेक्टर करेंगे। स्प्रेइंग करें, डस्टिंग करें, उसका ध्यान रखें कि हम उसको शाम को ही करें जिससे हमारे नेचुरल एनिमीज और पॉलिनेटर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रह सकें। धन्यवाद, थैंक यू।